Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are solve words problem number 4, 5, 6 from the exercise 5.2. Slim salary is dash. He gave dash of the salary as arm, half of the remaining for house expenditures, and dash of the remaining as debit that was due upon him. What is the remaining salary with him? We are doing. सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम होती है, वर्ड्स प्रॉब्लम होती है, उसको हम पहले गिवन जो है वो हम मेंशन करेंगे, वो स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, उसके बाद जो फाइंड आउट करना होता है वो करना है. द फर्स्ट वन इज स्लेम सैलरी. Slim's salary is equal to rupees 12,000. He gave arms mean ke wo garibon ki madad karta hai itni 1/12 of 12,000. ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी. 12 वन ज़ार ट्वेल्व एंड 1,000 रुपीज़. यहाँ पे हमारे पास आ गया रुपीज़ 1,000. उसके बाद उन्होंने कहा है हाफ ऑफ रिमेनिंग फोर हाउस एंड एक्सपेंडिचर. हाफ पहले हम इसमें से माइनस करेंगे रिमेनिंग में से remaining money is equal to 12,000 minus 1,000 rupees is equal to 11,000 rupees. House expenditure, उसके बाद हमारे पास आ गया half of remaining फोर हाउस एक्सपेंडिचर. हाउस एक्सपेंडिचर हाउस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिमेनिंग 11,000 कटिंग हो जाएगी. ये हमारे पास आएगा 5,500. ये हमारे पास आ गया हाउस एक्सपेंडिचर 5,500 rupees. Then two fifth of the remaining as debit. अब remaining money is equal to 11,000 minus is equal to 5,500 rupees. Then remaining as debit, dash of debit money जो उन्होंने जमा करवानी है, ये हमारे पास है एक्सपेंडिचर एंड टू बिलो रिमेनिंग as टू फिफ्थ ऑफ रिमेनिंग 5,500 रुपीस. फिर कटिंग हो रही है 5 वन ज़ार 5 और 5 11 हंड्रेड. ये हमारे पास आ गया 2,200. देन व्हाट इज द रिमेनिंग सैलरी विद हिम. रिमेनिंग सैलरी is equal to 5,500 minus 2,200. इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 3,300 रुपीस. डैश इज द रिक्वायर्ड आंसर.
Now student, question number 5, exercise number 5.2. A person is walking with the speed of dash per hour. How much time does he require to reach the goal at the distance of dash? फर्स्ट वन हम स्टेटमेंट कर लिखेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो, फिर जो फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट, वो हमें मेंशन करना है. वॉकिंग स्पीड, द फर्स्ट वन इज वॉकिंग स्पीड इज इक्वल टू 1 by 8 किलोमीटर पर आवर. Then walking distance, is equal to 5 whole 1 by 16 kilometer. और हमें find out करना है time distance, required time या time distance. required time भी आप लिख सकते हैं. required time is equal to question mark. according to statement, five whole 1 by 16 divided by 1 whole 1 by 8. अब आप लोगों ने ये होल नंबर में है, इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. उसके बाद ये डिवीजन का साइन है, इसको आपने मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करके इसको सॉल्व कर लेना है. सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास ये आंसर आएगा 4 and half आवर्स. और ये रिक्वायर्ड आंसर है. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 5. द रेट ऑफ अ पीस ऑफ अ गिफ्ट पेपर इज डैश पर पेपर. हाउ मेनी पीसेज ऑफ पेपर कैन बी परचेज फॉर रुपीज डैश. गिवन टोटल रुपीज 78.40 and the cost price of 1 piece is equal to rupees 0.40 or number of pieces. How many pieces of paper? Number of paper we are found. Number of piece paper we are required. ठीक है. According to statement 78.40 divided by 0.40. अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका आ जाएगा 196 is equal to 196 required answer. Thank you.